बातमी आहे एका मोठ्या अपघाताची। ठाणे जिल्ह्यामध्ये शहापूर जवळ समृद्धी महामार्गाचं काम सुरू असताना एक मोठा भीषण असा अपघात झालाय। या अपघातामध्ये 17 कामगारांचा जागीच मृत्यू झालाय। सरलांबे खुटारी गावाजवळ समृद्धी महामार्गाचं काम सुरू आहे आणि त्या ठिकाणी उड्डाणपुलाचा गर्डर टाकण्याचं काम सुरू होतं आणि त्यावेळी हा गर्डर स्लिप झाला आणि तो कोसळला आणि या लोखंडी गर्डरखाली 17 जणांचा जागीच मृत्यू झालाय। तर अजूनही काही जण अडकल्याची भीती व्यक्त होतीये। गर्डर जोडण्याचं काम करणारी क्रेन उड्डाणपुलाच्या स्लॅबवर कोसळली आणि त्यामुळे क्रेन आणि हा उड्डाणपुलाचा स्लॅब 100 फुटावरून खाली कोसळले। पाऊस आणि चिखल्यामुळे मदतकार्यामध्ये अडथळे येत होते। मृतांचा आकडा पुढे आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होतीये। एनडीआरएफच्या काही टीम्स या ठिकाणी आता मदत कार्यासाठी पोहोचलेल्या आहेत। ठाण्यामधून देखील अनेक टीम्स बचाव कार्यासाठी त्या ठिकाणी पोहोचलेल्या आहेत। हम लोग उधर काम कर रहे थे, तरतराए के गिरा बस, तब हम लोग नीचे काम बंद करके नीचे भाग आई। तो कितने जन को क्या कुछ कितने जन को लेके गए कुछ आइडिया पता चला? वो तीन आदमी है और क्या है? तीन आदमी के ले गए हॉस्पिटल। अच्छा। और उनका पैर टूट गया था, एक का हाथ है, एक के सिर में लग गया था। आप लोग ने किसी को बचाया? हाँ हाँ, उधर खेत में से निखार के लेके भाग। बयान के अनुसार यहाँ पे अभी बॉडीज ज्यादा नहीं है, पर फिर से हम एक सरफेस सर्च कर रहे हैं, हमारे कैनन सर्च कर रहे हैं और जो भी हमारा टेक्निकल सर्च है और सर्च करने की कोई पश्चात हम बता पाएंगे कि यदि कोई बॉडी बची है तो उसकी हम पुष्टि करेंगे सभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। तो किस तरह का कठिनाई आया आपको ऑपरेशन के लिए, उसके बारे में? जैसे आप सब देख सकते हैं कि इतनी हैवी मशीनरीज है, हैवी मशीनरीज को हमारे पास कटर्स है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, जैसे RR-100 है, वुडन चेन सॉ है, पर ये वुडन चेन सॉ वगैरह यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे हैवी मशीनरीज है और ये मेटल कटर्स भी इतने इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इसकी विड्थ जो है बहुत ज़्यादा है। उसके लिए हमने अभी हमारे पास जो छोटी क्रेन्स थी उसको एम्प्लॉय किया यहाँ पे और छोटी क्रेन की सहायता के साथ हमने बॉडीज को उस प्रेशर से रिमूव किया है और उसको सपोर्ट देके जाक लगा के बॉडीज को रिमूव किया है। आई भवानीचा गजर म्हणजे 24 तास।